गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों पढ़ ली थी। आज हम उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आरएलवीपी पे। आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आरएलवीपी में क्या आता है सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिया 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब क्या होगा, लोवरिंग होगी। डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, इसका मतलब ये उसका सॉल्वेंट है, ठीक है। और जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन एसीटोन का इन सोल्यूशन इज 182.5 mm of Hg। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन इज 185 mm of Hg, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो समझ में ही आ गया होगा, क्या क्या दे रखा है वो हम बात कर लेते हैं और हम लिखते भी रहते हैं। हमने क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये चीज दे रखी है। तो ये क्या है हमारा, मास ऑफ सोल्यूट, कितना घोला गया है वो, ठीक है ना। हमने उसको मान लिया डब्ल्यू बी हो गया 1.2 ग्राम। उसके बाद हमने क्या बोला कि 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, इसका मतलब मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जो दे रखा है वो है सॉल्यूशन में 182.5। तो सॉल्यूशन का हमने ले लिया तो वो है पी ए, सॉल्यूशन में कितना था 182.5 mm of Hg, ठीक है। और उसके बाद प्योर सॉल्वेंट का जो था वो है पी ए नोट इज इक्वल टू 185 mm of Hg। ये चीजें तो दे रखी हैं आपको, अब आपने जो कैलकुलेट करना है उस पे आते हैं हम। तो अब हमने सारी लिख ली थी जो चीज हमारे पास है। हमारे पास ये भी है 182.5 mm of Hg, जो हमने बोला था कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूशन वाला है, और प्योर सॉल्वेंट जो है वो है 185 mm of Hg, ये भी हमने कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम कि हमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। तो सबसे पहले हम रिलेटिव लोवरिंग वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या था फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो, देखो लोवरिंग पहले होती है। तो लोवरिंग क्या होती है कि सोलवेंट का ज्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से, और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। ये सोल्यूट हो गया, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो हम, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। उसमें भी अगर आपको ध्यान हो इस टर्म को हमने ये करके लिख दिया था NB/NA+NB, और जब हमने कहा था कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमने अप्रोक्सीमेटली इसको बराबर कर दिया था NB/NA। और NB को अगर हम रेक्टिफाई करके लिखेंगे, या तो आपको फॉर्मूला याद हो या आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैलकुलेट खुद ही करना पड़ेगा। तो W/MB और ये WA/MA, ठीक है ना। आपको क्या चीज निकालनी है, आपको MB निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं इसको। तो हम आते हैं यहाँ पर, क्या आ चुका है हमारा, हम इसको पूरे को लिख लेते हैं। देखो हम इसको अलग सेपरेटली निकाल लें, बार बार इसको लेना पड़ेगा टर्म को। तो हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पहले लिखना है पी नोट ए, कितना है 185 माइनस 182.5, वो पी ए था। डिवाइड करेंगे हम 185 से, जब हम इसको करेंगे तो ये हो गया 2.5 बटे में 185, और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0135, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
हमारा आरएलवीपी आ चुका है। आरएलवीपी कितना आया है हमारा, अभी कैलकुलेट किया था आपने, आरएलवीपी की वैल्यू आई है हमारे पास 0.0135, इतना आ चुका है हमारे पास। अब हम बात करेंगे मोलर मास निकालने की, तो वो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था हमने कि आरएलवीपी बराबर आया था किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था डब्ल्यूबी बाय एमबी, और बटे में क्या था मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, तो हमारा एमबी जो है वो इधर कर देंगे हम, डब्ल्यू बी एम ए और ये आरएलवीपी नीचे आ जाएगा, और हमने ये डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए आपको प्रोवाइडेड है, डब्ल्यू बी आपको प्रोवाइड है, एम ए एसीटोन का आप निकाल सकते हो, एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता है सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है ना। तो अब हम आराम से मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो हम पहले एसीटोन का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो सी एच थ्री फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं यहां पर लिख लेती हूँ, सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ सी एच थ्री, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। तो कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, तो 12 × 3 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 3 6, तो 1 × 6 प्लस एक ऑक्सीजन है 1 × 16 भारत या 16 × 6 = 22, 22 × 36 ये हो जाएगा 58U, ठीक है। हमारा एम एन हमने निकाल लिया है, बाकी चीजें दे रखी हैं, निकाल रखी हैं हमने। तो हम करेंगे क्या कि एम बी जो आएगा, वैल्यूज लिख दो बस आप, डब्ल्यू बी कितना दिया था आपको, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 1.2, मोलर मास आपने अभी कैलकुलेट किया है कितना 58, उसके बाद आर एल बी पी अभी कैलकुलेट किया था कितना 0.0135 इंटू में डब्ल्यू ए कितना है आपके पास, डब्ल्यू ए जो है वो आपका है 100, ठीक है ना। आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 51.5, ये आपका आ गया, पीछे यू लिख देंगे हम, ठीक है, हो गया न्यूमेरिकल। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, तो हमने आर एल वी पी का हमने कर लिया है। इसी तरीके से मान लो हम और करते हैं अगली किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो हम आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा, अब आएंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन एलिवेशन पे पढ़ रहे हैं हम, 5 मोलल एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है, 5 मोलल एक्वस सोल्यूशन बॉइल्स एट 393 केल्विन, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा, एलिवेशन कॉन्स्टेंट पूछा है, ठीक है। 5 मोलल एक्वा सोल्यूशन बॉइल्स एट 393 केल्विन, कैलकुलेट द एलिवेशन इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट मतलब इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट पूछा है आपसे, तो हम क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 5 मोलल सोल्यूशन, इसका मतलब आपको मोलेलिटी कितनी दे रखी है 5, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, देखो सॉल्यूशन का 393 केल्विन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 393 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिएगा हमें, अब ये आपको थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा। यहां पे मैंने क्या बोला था, एक्वस सॉल्यूशन स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे हमें क्या बोला गया है, एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस का मतलब क्या हो गया, पानी मिलाया था, पानी सॉल्वेंट था, तो पानी का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में करेंगे तो कितना आ जाएगा 373 केल्विन। तो वहां से आप क्या निकाल देंगे, डेल्टा टी भी निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 393 में से आप 373 घटा दो, कितना आ गया 20 केल्विन, इतना आ गया आपका फॉर्मूला, आपको पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, केबी इंटू में एम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये भी प्रोवाइडेड है, ये भी हो गया हमने निकाल लिया, हमें ये निकालना है, तो केबी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी ओवर एम, डेल्टा टी बी कितना आया है 20, मोलेलिटी आपको दे रखी है कितनी 5, तो ये आ जाएगा 4 केल्विन मोलल, ठीक है ना, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया।
इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके भी दे सकते हैं, आपसे मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, अभी अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।